क्रिस्टोफर नोलन को तो आप सब लोग जानते होंगे, जो दुनिया के सबसे बेस्ट डायरेक्टर में से एक हैं, जिन्होंने हमें बहुत कमाल की मूवीज़ दी हैं, जैसे इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डार्क नाइट ट्रिलॉजी और भी बहुत सी अमेजिंग मूवीज़ दी हैं। और इनकी एक नई मूवी आने वाली है जिसके अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें हम एमसीयू के अंदर आयरन मैन के नाम से जानते हैं, उन्हें कास्ट कर लिया गया है। और इस मूवी का नाम होने वाला है ओपनहाइमर, जो कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के ऊपर बनने वाली उनकी बायोपिक है, जो कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब थे, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब को बनाया था। मैं इस मूवी के लिए पर्सनली इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ओपनहाइमर को न्यूक्लियर बॉम्ब यानी एटॉमिक बॉम्ब बनाने का इंस्पिरेशन मिला था भगवत गीता और महाभारत से, क्योंकि महाभारत के अंदर एक बहुत खतरनाक दिव्यास्त्र का वर्णन है जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, और उसी से इंस्पिरेशन मिला था ओपनहाइमर को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। यहां तक कि जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब था उसका नाम ट्रिनिटी था, यानी कि त्रिदेव, और त्रिदेव का मतलब होता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव, जिनको महेश के नाम से भी जाना जाता है। और इस मूवी के लिए एक्साइटेड होने का मेरा दूसरा कारण यह है कि इस मूवी की कास्टिंग बहुत बड़ी, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स शामिल हैं, 12 से भी ज्यादा इसके अंदर बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर का यानी कि आयरन मैन का इसके अंदर क्या रोल होने वाला है वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओपनहाइमर मूवी क्रिस्टोफर नोलन की एक नई मूवी है जो 2023 तक रिलीज होगी। इसके अंदर हमें जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की कहानी देखने को मिलेगी कि आखिर उन्होंने कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया था। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन होने वाले हैं, वही इसकी कहानी लिखेंगे और वही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। इस मूवी के अंदर में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स दिखने वाले हैं, जैसे कि फ्लोरेंस पग दिखने वाली हैं, जो कि हमें ब्लैक विडो मूवी के अंदर दिखी थी और साथ में हॉकआई की सीरीज के अंदर भी दिखी थी। इस मूवी के अंदर ओपनहाइमर का रोल निभाने वाले हैं किलियन मर्फी, जो हमें पिकी ब्लंडर सीरीज के अंदर दिखे थे, वही इस मूवी की मेन लीड के एक्टर हैं। साथ ही इस मूवी के अंदर में कैनेथ ब्रेनिक भी देखने को मिलेंगे, और इस मूवी के अंदर ओपनहाइमर की वाइफ का रोल निभाएंगी एमिली, जिन्हें हमने अ क्वाइट प्लेस सीरीज के अंदर देखा है। साथ ही साथ इसके अंदर हमको मैट डेमन भी देखने को मिलेंगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस मूवी के अंदर हमें लुइस स्ट्रॉस के रूप में दिखेंगे, जो कि उस समय यानी 1945 में फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स थे, जो कि यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन में थे। तो उन्हीं का रोल इस मूवी के अंदर हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि आयरन मैन करते हुए दिखेंगे। हमारे नेक्स्ट एक्टर हैं जैक, जो हमें दिखे थे द बॉयज सीरीज के अंदर, जिनकी गर्लफ्रेंड को गलती से सुपर हीरोज ने उड़ा दिया था। इस मूवी के नेक्स्ट एक्टर हैं जेसन क्लार्क, जो हमें दिखे थे प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी के अंदर, साथ में हमें ये दिखे थे टर्मिनेटर जेनेसिस मूवी के अंदर। इस मूवी के नेक्स्ट एक्टर हैं डैन डेहान, जो हमें देखने को मिले थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर खाली इतने ही एक्टर्स नहीं है, इस मूवी के अंदर और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं। ये एक बहुत बड़े बजट की मूवी होने वाली है। इस मूवी की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 21 जुलाई 2023 है, मतलब अगले साल 21 जुलाई तक ये मूवी रिलीज हो जाएगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। तो ये तो बात होगी इस मूवी की कास्टिंग की और सारी डिटेल्स की, लेकिन अब हम बात करते हैं ओपनहाइमर के बारे में कि आखिर ओपनहाइमर कौन थे और कैसे भगवत गीता और महाभारत से उन्हें इंस्पिरेशन मिला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। ओपनहाइमर, जिनका पूरा नाम जे रॉबर्ट ओपनहाइमर है, जो कि एक यहूदी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी कि वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करें, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का नाम ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकते थे ताकि लोगों को ना पता चले कि वहां पे क्या काम होने वाला है, क्योंकि इनको न्यूक्लियर बॉम्ब बड़े ही सीक्रेटली बनाना था, इसीलिए इन्होंने उसका नाम द मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा था, जिसके पहले बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी 16 जुलाई 1945 को, और उस बॉम्ब का कोड नेम था ट्रिनिटी, यानी कि त्रिदेव, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। उस बॉम्ब को जब टेस्ट किया गया था यानी कि डेटोनेट किया गया था, तो उस समय बहुत भारी तबाही उससे मची थी, और उसको देखते हुए ओपनहाइमर ने कुछ बात कही थी, और यहां पे मैं एज इट इज उनके शब्द ही प्रस्तुत कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई भी शब्द ऐड नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता की एक पंक्ति याद आ रही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला हूं और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब यहां पे एक श्लोक की बात हुई है, वो श्लोक तो मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं उसे नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मैंने उसे नहीं पढ़ा। वैसे वो श्लोक 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है, जो आपको भगवद गीता के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओपनहाइमर ने भगवद गीता पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी थी, क्योंकि वो भगवद गीता को उसी की भाषा में सीखना चाहते थे, क्योंकि जब हिंदू धर्म के ग्रंथों को ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेज में, तो उसमें वो शब्द नहीं होते, इस वजह से उन चीज़ों को बदल दिया जाता है। इस वजह से इन्होंने भगवद गीता सीखी ताकि एज इट इज समझ सकें कि क्या लिखा है भगवद गीता के अंदर, उसके श्लोकों को आराम से समझ सकें। ओपनहाइमर ने एक बार कहा था कि 19वीं शताब्दी में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो पश्चिमी देश भारत से सीख सकते हैं, तो वो है भगवद गीता का अध्ययन। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे भगवद गीता को। उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का इंस्पिरेशन महाभारत से मिला था, क्योंकि महाभारत के अंदर कई जगह पर ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। जहां तक मुझे पता कि महाभारत के अंदर कुछ ही लोगों के पास ब्रह्मास्त्र की नॉलेज थी, जिनमें सबसे पहले आते हैं आचार्य द्रोण, जिनके गुरु भगवान परशुराम थे। उसके बाद आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण, जिनके गुरु भी भगवान परशुराम ही थे। उसके बाद आते हैं गंगा पुत्र देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह, जिनके गुरु भी भगवान परशुराम ही थे। उसके बाद नंबर आता गुरु द्रोण का और अश्वत्थामा का, जो दोनों ही गुरु द्रोण के शिष्य थे, लेकिन अश्वत्थामा गुरु द्रोण के शिष्य तो थे ही, साथ ही साथ उनके पुत्र भी थे। तो इन लोगों के पास ब्रह्मास्त्र की नॉलेज थी, ये तो मुझे पता, बाकी किसी और के पास हो तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। वैसे आप ये मत सोचिए कि सिर्फ महाभारत के अंदर ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था, इससे पहले भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है काफी बार। जैसे रामायण के अंदर लक्ष्मण जी ने भगवान राम से आज्ञा मांगी थी कि वो ब्रह्मास्त्र का
प्रयोग करें इंद्रजीत के ऊपर, लेकिन भगवान राम ने यह कहकर मना कर दिया कि इस समय ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से लंका की निर्दोष जनता मारी जाएगी, उनका अहित होगा, इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मत करो। तो वहां पे भी इसका वर्णन मिलता है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा खतरनाक वेपन था जिसको दिव्यास्त्रों की कैटेगरी में डाला गया था। चाहते तो इसको अस्त्र की कैटेगरी में भी डाल सकते थे, लेकिन दिव्यास्त्र की कैटेगरी में इसलिए डाला गया क्योंकि ये वेपन एटॉमिक लेवल पर डिस्ट्रक्शन करता था। अगर आपके शरीर के ऊपर इसको चला दिया जाए तो केवल आपके शरीर को खत्म नहीं करेगा, यह आपके शरीर के अणुओं और परमाणुओं को भी खत्म कर देगा पूरी तरीके से, इसलिए इसको दिव्यास्त्रों की कैटेगरी में डाला गया था। एक बार अगर कहीं पर ब्रह्मास्त्र चल जाए तो 12 सालों तक वहां पे किसी भी तरह का जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता, ये वेदव्यास जी ने कहा था। ब्रह्मास्त्र को चलाने वाला डिसाइड कर सकता है कि कितनी जगह को डिस्ट्रॉय करना है, वो चाहे तो पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे तो कोई छोटे से हिस्से को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ब्रह्मास्त्र भी दो तरह के होते हैं, पहला ब्रह्मास्त्र जो कि नॉर्मल ब्रह्मास्त्र है, और दूसरा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र का एडवांस वर्जन है। पहले ब्रह्मास्त्र के अंदर जब उसको चलाया जाएगा तो उसके आगे ब्रह्मा जी का एक सर होगा, और दूसरे ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मा जी के 4 सर होंगे जो कि पहले ब्रह्मास्त्र से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उस समय कौन से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, लेकिन प्रयोग हुआ था ये बिल्कुल पता है, क्योंकि आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत हुई थी, और ठीक उसी समय लगभग 5000 साल पहले मोहनजोदाड़ो सभ्यता भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अचानक से वो पूरी सभ्यता नष्ट हो गई थी, सब लोग मारे गए थे। और जब वहाँ की डेड बॉडीज यानी स्केलेटन्स को मॉनिटर किया गया, वहाँ के आसपास की चीज़ों को मॉनिटर किया गया, तो वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन मिला जो सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब के चलने पे होता है। तो ये भी हो सकता है कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता के अचानक से एक्सटिंक्ट होने के पीछे का कारण ब्रह्मास्त्र हो, जिसकी वजह से एक ही दिन में एक ही पल में सब लोग मारे गए थे, मोहनजोदाड़ो सभ्यता इस दुनिया से ही गायब हो गई थी। एक बार ओपनहाइमर से वॉरकेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़के ने एक लेक्चर के दौरान एक सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर जिस बॉम्ब को डेटोनेट किया गया था जिसका कोड नेम ट्रिनिटी था, क्या वो पहला बॉम्ब था? तो उन्होंने इसका उत्तर इस प्रकार दिया कि हाँ, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर तो वो पहला ही बॉम्ब था। यहाँ पे ओपनहाइमर ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले यानी मॉडर्न वर्ल्ड से पहले भी महाभारत काल में यूज हो चुका है न्यूक्लियर बॉम्ब का। वैसे इससे भी पहले काफी बार यूज हो चुका है, जैसे रामायण काल में जब भगवान श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगी थी लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र चलाने की, तो उन्होंने मना कर दिया था, उस समय भी ब्रह्मास्त्र का वर्णन हम लोगों को मिलता है। ओपनहाइमर का जन्म भले ही एक यहूदी फैमिली के अंदर हुआ, लेकिन फिर भी भगवत गीता के ऊपर वो बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, उनका अटूट विश्वास था भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, इसलिए वो हर समय भगवत गीता अपने साथ रखते थे और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करते थे कि वो भगवत गीता को पढ़ें। एक बार जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का दाह संस्कार हो रहा था तो वहां पे ओपनहाइमर ने एक श्लोक पढ़ा था भगवत गीता का, जो भगवत गीता के 17वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जो कुछ इस प्रकार है, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार होती है, मनुष्य श्रद्धामयी है, इसीलिए जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वही उसका स्वरूप होता है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थित है। तो यही श्लोक ओपनहाइमर ने पढ़ा था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के दाह संस्कार के समय में। अब जितनी बातें मैंने यहाँ पे की हैं ओपनहाइमर के बारे में, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी हमें मूवी के अंदर, क्योंकि इस मूवी को क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट कर रहे हैं और ये मूवी विदेश के अंदर बन रही है, और ऐसा काफी बार हो चुका है जब भारत से जुड़ी चीजों को, अच्छी चीजों को इग्नोर कर दिया गया कंप्लीटली। जैसे कि अभी इनकी मूवी जो क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई थी जिसका नाम डंकर्क था, उसके अंदर जिस शिप के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स फंसे थे उसके अंदर कई हजारों इंडियन सोल्जर्स भी थे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, लेकिन उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया क्रिस्टोफर नोलन द्वारा, वहां पे एक भी इंडियन सोल्जर को नहीं दिखाया गया, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं तो उन चीजों को ढंग से दिखाना चाहिए, चीजों को इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जैसे इंडिया को हर कोई इग्नोर कर देता है, तो मुझे लगता है वो चीज इस मूवी के अंदर भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टर तो सेम है, या हो सकता है बहुत थोड़े मात्रा में उस चीज को दिखाया जाए जो कि बिल्कुल निग्लेक्टेबल हो, लोग आसानी से उस चीज को इग्नोर कर देंगे, या हो सकता है कि क्रिस्टोफर नोलन इस बार अपनी गलती को सुधारें और इसके अंदर हमें सारी चीजें सही सही देखने को मिले। जैसे जब ट्रिनिटी बॉम्ब को डिस्ट्रॉय किया गया था तो वहां पे जो श्लोक उन्होंने पढ़ा था वही श्लोक हमको देखने को मिल जाए और उनका भगवत गीता के प्रति झुकाव भी देखने को मिल जाए। वैसे एक और चीज है जो हो सकता है आपको ना पता हो, जब न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी चल रही थी अमेरिका के द्वारा, तो उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब खाली अमेरिका नहीं बना रहा था, जर्मनी भी इसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन उनसे पहले अमेरिका वालों ने इस बॉम्ब को बना लिया और वो वर्ल्ड वॉर टू जीत गए। मैं तो इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी हुई थी और न्यूक्लियर बॉम्ब को सफलतापूर्वक बनाया गया था। क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।